हॉल से ही मैंने माइक से नागुरु जी से बात कर रहा हूँ। गुरु जी 2015 से लगे हुए हैं, कभी आपने नागा नहीं पढ़ने दिया, कोई कोर्ट की दुविधा नहीं आने दी। और वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। हमें आंटी दिन में नहीं पता होता कि हमारे घर में शाम को पर गुरु जी कैसे देते हैं पता ही नहीं हमें। अपनी समझ अबाउट 2007 से पहले पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल में हमारा जनता बनता लोग देते हमारे से देते थे प्रतिपोषण। इन लोगों ने ऐसा बर्बाद किया कि पर गुरु जी कोई ना कोई काम ऐसा भेज देते थे कि सारे जितनी सेवा है जितनी संगत के साथ प्यार मोहब्बत है गुरु जी को नहीं पता थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं रेगुलर ड्यूटी पे जाता हूं तो लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है दुबली में एक अनाउंसमेंट हुई पहले संडे के बाद मास्टर सभी मास मासी के एक दिन के बाद दुबली मंदिर पहला संडे आता। तो गुरु जी ने मेरे से ही अनाउंसमेंट करवाई कि आप अनाउंस कर दो कि इस बार पहले संडे नहीं खुलेगा कि वहाँ पे संगत बहुत ज्यादा थी। सेवादार कितने दिनों से लगे हुए थे कि एकदम वो मैनेज नहीं हो पाए। हॉल से ही मैंने माइक से अनाउंसमेंट की थी। तो अनाउंसमेंट करने के बाद क्या होता है पहला संडे आ जाता है। पहला संडे आता है तो अपने बेड में मैं लेटा हूँ और सामने गुरु जी का एक छोटा सा मंदिर है कमरे में सर ये 36 सेक्टर वाले कंट्री और गुरु जी का दरबार बाहर था। मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ गुरु जी 2015 से लगे हुए हैं कभी आपने नागा नहीं पढ़ने दिया कोई कोर्ट की सुविधा नहीं आने दी कुछ भी नहीं आने दिया। ये पहला नागा है पर चलो गुरु जी आपकी मर्जी कि नहीं ये तो आपने मंदिर ही बंद करवा दिया है तो फिर भी मेरा ध्यान पूरा होगा। तो मैंने 15-20 मिनट गुरु जी से ये बात की है इतने में मेरा फोन कर सकता है तो उन दिनों में थोड़ी सी चंडीगढ़ में आपको पता है कि जैसे संगत बढ़ रही है ना जी यही बंदों के अपने अपने विचार होते हैं अपनी अपनी सोच होती है। डिस्टर्बेंस भी चल रही थी कि भाई आगे गुरु जी का कोई मेन सत्संग था कि उसको कैसे होगा क्या नहीं होगा तो मेरे मन में वो विचार चल रहे हैं कि शायद गौरव अंकल ने मुझको बुला लिया कि उसका कोई आदेश देना होगा कि भी ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं सारे रस्ते जा रहा हूँ गाड़ी बढ़ाई जा रहा हूँ जब डुबरी से पहले एक छोटा सा पुल आता है नदियों वाला पुल नहीं एक और छोटा पुल आता है थोड़ा पुल नहीं सुखे वाला वहाँ से 5 मिनट में डुबरी पहुँच जाते हैं। तो फिर मेरे को किसी सेवादार का फोन आया शायद राजू अंकल का फोन आया अंकल थोड़ा वेट हो रहा है कितने बंद करके बस अंकल इतने पहुँच गए डुबरी से कहा आओ बताओ आंटी हम वहाँ गए वहाँ जब पहुँचे तो गुरु जी की
आरती की थाली जो है वो लेके खड़े हुए हैं। गौरव अंकल और सारी फैमिली चाय खाने कहते आओ गुरु जी आरती करो। आंटी ऊपर जाके आरती करने के बाद वहाँ पे हमने देखा कि 50-60 संगत थी, तो गौरव अंकल कहते आओ लंगर की सेवा करें। आरती के बाद लंगर भोग भी लगवाया और लंगर की सेवा आंटी मैंने उस वक्त मैंने लाइफ में पहली बार की। मैं मेरे थोड़ी सी बॉडी ऐसी है कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, तो जिनका हुक्म था वो लंगर की सेवा की। गौरव अंकल ने उस संगत की सेवा की। अब आंटी मैं यहाँ सोच रहा हूँ अब ये सत्संग हुआ कैसे ये मैं थोड़ा सा बताऊँगा। ये सत्संग ऐसे हुआ आंटी, जैसे समान इकट्ठा हो रहा था, गौरव अंकल ऊपर खड़े थे, उन्होंने देखा कोई संगत है और सेवादार उनको कुछ कह रहे, तो गौरव अंकल ने पूछा हाँ जी क्या सेवादार से, कहते हैं इन संगत को मैसेज नहीं पहुँच पाए आ गए। तो गौरव अंकल कहते जो आए हैं उनको लुटाओ ना, दरबार तैयार करो, लंगर तो सेवादारों के लिए है बन ही रहा है, पूरे गुरु जी की आरती कराओ, सत्संग करो और सारा कुछ करो। ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये ऐसे दिल की जानते हैं, सैकड़ों ही सत्संग हैं। मैं चाहूँगा कि भी मैं आगे यहीं से व्यायाम करूँ और आप में से और कोई संगत से करना चाहे।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिव जी सदा मैंने फोन आया रोड से फोन से मैं कुछ नहीं है बस गुरु जी का जल प्रसाद तो एक दूसरे को कहने हैं गुरु जी का जल प्रसाद अमृत प्रसाद है विश्वास कर अंकल जी जी नहीं मानो कि हॉस्पिटल के बीच भी होता है तो देना तो लोग ड्रॉप कर देंगे अब मैंने डॉक्टर कहता एम आर आई था सिटी स्कैन की रिपोर्ट तो आ गई उन एम आर आई करानी है एम आर आई की रिपोर्ट लाई है सास अंकल जी सिर्फ 5 मिनट पहले जल प्रसाद देता और उन्होंने एम आर आई कराई डॉक्टर सिर पढ़ के बह गया कहता ब्लॉक यही कि उन्होंने करने वास्ते डॉक्टर बाकी वोट पाइं तो मुताबिक चल रहा है ये 18 mm दोनों पास ब्लॉक है अपने प्रोफेशन डॉक्टर बाकी कहते 5 घंटे बाद मैं ये वाला सत्संग अंकल मेरी बेटी ने शेयर कर रही है मेरी बेटी ने सीरियस उन्होंने क्या आंटी थोड़ा अंकल का ठीक हो गया पिछले साल सारी संगत को पता चला अंकल को नहीं पता मेरा डोंगी ਉੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਕਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਲ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 16 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਲ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ गुरु जी मेरी बेटी ने की क्या कहती मैं बड़ी खुश है जी रूह सच बसती है वही गुरु जी हर चीज च बसती है अंकल गुरु जी उन्होंने बड़े प्यार से लगे और मैं कहनी है कि मैं पापसा के लिए 84 कर सो संगत जी जड़िया रूह अपने जाने उन्होंने संभाल के रखो इतना पिंजरे ने किराए के पिंजरे ने वाली अंकल ने क्या वाली अंकल की सरप्लस की है इन्होंने का विजन बड़ा पॉजिटिव है इन्होंने थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव है ये कभी किसी ने गलत कर नहीं सकते इन्होंने सोच ही पूरी बस है इस करके सारी संगत अपनी सोच के लिए पूरी नहीं कर रही है ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕਿੰਗ ਅੰਕਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਦ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ
बचपन तो अरदास होता आया है। गुरु जी के दरबार च आके पता लगे गुरु जी के दरबार च आके पता लग्या कि इत्थे मंगो ते मन्नो। जदों तुसी मंगदे हो गुरु जी तो कुछ मंगी हुई चीज हमेशा इन्हू क्या नहीं करनी। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਅਨਿਲ ਗੌਰ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਨੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਦ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਸੂਦ ਅੰਕਲ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਦੁਰਗਾ ਦੁਗਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਗਲੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਉੱਧਰ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਨਾ ਆਂਟੀ, ਨੋਰਮਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ 2015 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 1000 ਦੋ ਦੋ 1000 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 4000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਇਆ ਕਿ 2000 ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ।
पुनः कोरोना काल है, बहुत प्यारी तो प्यारी संगत जी है, बहुत छोटी छोटी उम्र के कोरोना के नाल इस दुनिया के विचों विदाई लै गए, मन च विचार तन जाने। पर मैं संगत जी दसना चाहता वो इन्नी प्यारी प्यारी संगत गई है, उन्होंने गुरु जी ने किसे नहीं भेजा, उन्होंने अपने चरणों के नवाजा है, क्योंकि वह गुरु जी के इन्ने क्लोज थे, जाना तो सब ने बट जिन्हों के भी गए हैं वो गुरु जी से विश्वास रखो। संगत कहती असी नवी संगत असी गुरु जी को नहीं मिले, फिजिकल रूप नहीं मिले, गुरु जी तो इतने भी बैठे हैं हर जगह है, मैं तो जितने जाता मेरे नाल ही जाते हैं गुरु जी, मैंने गुरु जी कभी सुपने च नहीं आए, पर तेरी बाँह पकड़ी मैंने गुरु जी हमेशा मिनट मिनट की, मैं बड़ी बात चल 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 इन्ने सत्संग है जो मैं आने वाले टाइम के अपने एक्सपीरियंस शेयर कराँगा, जेडे कि यूट्यूब राही सारे संसार से जानगे, मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता। संगत जी सिर्फ हाथ जोड़ के बेनती है, अगर मैं सारा कुछ आनंद लेना है गुरु जी का, गुरु जी की रहमत अपने से पूरी लैनी है, मन साफ नीयत साफ, और चाहे थोड़ा जिन्ना मर्जी बंदा थोड़े वे वैर विरोधता है, तुम वो चेहरे से अखा अखा देख के गुरु जी का चेहरा सामने लियाओ, देखो थोड़ा कल्याण कितना होना, मेरा तो यही फंडा है। मैं फिर यह सारा कुछ क्यों दस रहा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबता भला, मैं तो यह चाहता वा कि सारी संगत का भला हो, संगत किसी गलत फैमिली च ना रहे, संगत समझती है क्योंकि वाली अंकल को पता नहीं किन्ना पैसा हैगा, वे आंटी मेरे शाम को नहीं पता होंगा, मैं पिछले एक सत्संग शेयर किया है जोड़ा कि अपलोड होया हो जिसे मैं दसिया कि भी एक बस की अनाउंसमेंट की थी निष्काम सेवा चंडीगढ़ तो बड़े मंदिर की, एक की जगह सत्त गुरु जी के बसा हुई, और पहली बस के पैसे कितों देने नहीं पता थी, और सत्त बसा चलन तो पहले गुरु महाराज ने कितना पैसे दिए, कितना यह कार्य कराते हैं, तो सब गुरु जी ही कराते हैं, किसी की कोई रहमत नहीं है, मेरे को एको ही गुरु मंत्र है, क्योंकि गुरु जी कोई भी किसी भी तरह का प्रचार नहीं करते, मेरा तजर्बा जोड़ा है मैं मन साफ है, किसी के वैर विरोधता देखा नहीं, चाहे संगत के कोई भी कुछ कह दिया, जय गुरु जी मन कहता ठीक है, गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी के मर्जी का सारा कुछ इदा ही कहते हुए मैं फिर संगत में अगे कहगा कि भी कोई संगत मैं चोपड़ा अंकल को रिक्वेस्ट करा कि वो अपना सत्संग छे संगत। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है ठीक है, बट वी डिडंट टेक हिम दैट वे कि जैसे आप हम मानते हैं कि गुरु जी तो भगवान है ठीक है, तब भी भगवान मानते थे, पर जो अब है वो तब नहीं था हमारे मन में, और राधर आई फील की जो संगत बाद में जुड़ी है जिसने गुरु जी के दर्शन नहीं किए उनमें इतनी श्रद्धा है कि राधर आई फील की हमें इतनी क्यों नहीं है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, वो संगत इतना कैसे सोचती है, कितनी श्रद्धा है उनमें। तो थिंग इज दैट कि गुरु जी तो साक्षात शिव रूप है, तो ही कैन डू एनीथिंग, जैसे अंकल ने अभी बताया अंकल ने कि जैसे ब्लॉकेज थी तो नो वन कैन इन मेडिकल हिस्ट्री नो वन कैन से कि इट इज अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स कि ये जी ऐसे ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, एंड दिस थिंग सच थिंग हैपेंड इन आवर फैमिली आल्सो, माय यंगर सन ही इज इन USA, तो वो फुटबॉल खेल रहा था तो ही हैड फुल ब्लड टेस्टिंग ऑन हिज नी ठीक है,
हम उस दिन खमाड़ों में एक सत्संग था, तो एक मैरिज थी, दोनों जगह जाना था, तो व्हाट वी डिड कि हमने खमाड़ों में सत्संग में चाय प्रसाद लिया एंड वी वेंट टू सरहान फॉर सम मैरिज। वहां पे बैठे थे तो 3:15 उसका फोन आ गया। मैं हैरान था, इस वक्त फोन मिडनाइट ओवर देयर, कैसे फोन आया? तो नेचुरली जैसे ही फोन आया मैंने अपनी आंटी को पकड़ा दिया फोन, तो वो ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट मैरिज, ऐसे था वैसे था, इसकी पिछली शादी में किसी घरे वाला आया था, इस बार पता नहीं कौन सा सिंगर बुला लिया, ये है वो। कहता मम्मी आप अपनी मारी जा रहे हो, मुझे मेरी तो सुनो, मुझे चोट लगी है और मुझे पेन बहुत हो रही है। पहले तो जब चोट लगी तब तो मुझे इतनी फीलिंग नहीं हुई, मैंने खाना वाना खाया, जब मैं घर आऊँ तो एकदम से पेन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं कौन सी पेन किलर लूँ? अब तो रात है, तो मैंने एकदम से जैसे गुरु जी ही सोची देते हैं, तो मैंने कहा ऐसे कहा बेटे कि मैं तुझे डॉक्टर एम पी सिंह का नंबर भेजता हूँ, उनसे बात कर ले। डॉक्टर एम पी सिंह इज आल्सो फ्रॉम संगत, ही वाज ऑर्थोपेडिक सर्जन इन चंडीगढ़, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात है जनरल हॉस्पिटल। मैं कहा उनको अंकल से बात कर ले। इसने जैसे ही बात करी डॉक्टर एम पी सिंह से, ही सेड कि यू सेंड मी द फोटोग्राफ ऑफ द इंजरी। इसने अपनी इंजरी की फोटोग्राफ भेजी, इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल चला गया। और रास्ते में जब घर आए तो मेरी तो वो फायरिंग हुई, मुझे अब तक याद है क्या हो जाना था। हम सत्संग छोड़ के आगे देखो बच्चे के चोट लगती, क्या हो जाना था, शादी रुक जानी थी, बाद में चले जाते। चलो शाम को अब फिर था एक सत्संग था पंचकूला में, हम वहाँ पे गए तो फ्रॉम माय आंटी फेस तो संगत का जस्ट समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया था, ऐसे ऐसे चोट लगी, अब कोई फोन नहीं उसका लग रहा है, तो अब पता नहीं क्या है। हम वेट करते रहे, रात तक वेट करते रहे, मिडनाइट उसका मैसेज आया कि मेरे तो फ्रैक्चर हो गया है, तो उन्होंने डॉक्टर से इमोबिलाइजर लगा के घर भेज दिया। एंड वी वर सरप्राइज कि अब यूएसए में पढ़ रहा है वो अपार्टमेंट में, तो वो तीन लड़के रहते हैं, वो अब कैसे करेगा, कौन जाए वहाँ पे, सोचते रहे। अगले दिन फिर कहता जी मेरे पेन बहुत है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि ये पेन किलर ले लो एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 6 a day, 4 घंटे से पहले नहीं लेनी है पेन किलर, ये ना पेन ज़्यादा आप लेते रहो 2 घंटे बाद। तो अगले दिन फिर था एक संगत था, तो एक अंकल ऐसे सत्संग किया और संगत से रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे बच्चा है संगत का, तो उसके हीज एन एक्यूट पेन, प्रे करो। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी कि हमने रात को गए तो हमने फोन नहीं किया कि अब अगली मॉर्निंग होगी, तो वहाँ पे पता नहीं कि मैं रात को नींद आती नहीं है, पेन में नहीं आती नींद, तो अब शायद सोया होगा। उसने फोन किया, कहता पता नहीं मुझे तो पेन ही नहीं हुई, कहता मैंने अपने डॉक्टर को टेक्स्ट किया, तो कहता नहीं नहीं यू रिस्ट्रिक्टेड टू 1 or 2 per day, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, ऐसे ये टेबलेट को लेनी ही है। अब उसने अपने फ्रेंड ही उसके ले गए, उसको अपने यूनिवर्सिटी का डॉक्टर का इंश्योरेंस तो यूनिवर्सिटी की थी, तो उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफर कर दिया। एंड आई एम स्टिल हैविंग द रिपोर्ट क्लियरली, MRI इज क्लियरली शोइंग अ फ्रैक्चर, एंड एज ए लेमैन आई कैन सी कि हाँ फ्रैक्चर ऐसे नजर आ रहा है। उसने यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफर कर दिया, और वहाँ पे जैसे यूएसए में सिस्टम है ही गेव अपॉइंटमेंट आफ्टर फॉर 1 week, तो एक हफ्ते बाद उसने टाइम किया। तो इन द मीन टाइम चलो अब जब वो दोबारा गया उसके पास ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, एंड ही सेड कि फॉर द फुल वी हैड डिजिटल एक्सरे, उसने अपना दोबारा किया, एंड कहते हैं फॉर फुल 12 to 15 minutes ही वाज जस्ट जूमिंग दैट एक्सरे कि फ्रैक्चर है कहाँ पे। Then he called his assistant, did you do the, this x-ray of left knee? Kada, yeah, left knee. So you are very sure it is left knee. So phir dekhi jaye. And kada, I was smiling, sitting next to him. Ki ye to Guruji hai jo sab kuch karte hai. There was no fracture seen. I am still having the report. And it is against the medical bill. Phir usne report bheji. Humne yahan pe 3 doctors ko dikhaya. Luckily, even medical college mein dikhaya. Kada, dekho, the thing is that these 2 reports are contradictory. Ek mein fracture hai, ek mein nahi hai. But since the patient is not here, we can't say. Let him, अगर उन्होंने 6 weeks का rest बोला तो he should take rest. ये है गुरुजी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। कहते I was just smiling sitting next to him. तो फिर उसने डॉक्टर को दोबारा बोला, डॉक्टर एम पी सिंह को, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, कहते ऐसे है, whenever you come to India, normally in the month of December, every year he used to come. Last year he didn't come because of corona. So he used to come. So, कहता है ऐसे है, whenever you come to India, you again get MRI done, so it was very, I didn't tell you at that time, ये काफी serious था, and you maybe had, could have damaged your muscle for the whole life, it could have been that damaging, तो लगता तुझे चोट काफी जोर से लगी थी, तो कहते अच्छा ठीक है, so when he came, in that year when he came to India, तो उसने फिर डॉक्टर को फोन किया, कहता है डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे MRI फिर मैं, कहते how you are feeling?
यू आर नॉट लिफ्टिंग आई होप, कहता ना नो नॉट एट ऑल आई कैन डांस, कहता नहीं यू कीप ऑन डांसिंग, कहता गुरु जी ने तो पहले ही बार में एक स्ट्रोक में सब कुछ ठीक कर दिया। सो दिस इज गुरु जी। तो गुरु जी तो छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे मतलब ये नहीं है कि व्हाट्स एवर द थिंग में भी, एक बार उसने ऐसे ही इंडिया आना था तो उसकी क्लास चालू थी यहाँ पे इंजीनियरिंग में, तो शी सेड कि मेरी शादी है जैन में, तो एवरीवन शुड प्लान इन द मंथ ऑफ जैन। नॉर्मली जितने बच्चे थे ऐसे कैनेडा या यूएसए में थे, यूज टू कम इन दिसंबर और जैन में फर्स्ट वीक में चले जाते थे वापस, तो शी सेड कि नहीं यू प्लान इन द मंथ ऑफ जैन, अपना डिले कर देना। बट ओके, इन्होंने अपने वैसे ही डिले कर दी और जैन में। बाद में इसको ख्याल है कि मैं अपनी कार कहाँ पार्क करूँगा, तो ही इज हैविंग स्ट्रीट पार्किंग। तो कहते पहले तो मैं आता था तो यूनिवर्सिटी में ही कार अपनी खड़ी कर देता था, तब यूनिवर्सिटी भी बंद होती थी, एज अ रोड स्टूडेंट बाइक कार्ड तो था मेरा, तो कुछ नहीं कहते थे, मैं कार पार्क करके आया था, मैं दो हफ्ते यहाँ पे रुकना है तो उसके बाद चला जा, मैं कहाँ करूँ अब वो इसी चक्कर में भी कैसे करूँ। तो कहता अब या तो मैं अपने फ्रेंड को खींच दे आऊँ, पर प्रॉब्लम ये है कि वो टूर पे भी जाता है। मैं कहता देख ऐसा है, अगर वो ना हटा सका कार और स्ट्रीट क्लीनिंग में तेरी कार वहाँ पे हुई तो वो टिकट लगा जाएगी और तो ये हॉलीडेज विल बी स्पॉइल्ड, वैसे टेंशन हो जाती है क्या करें। यही सोच के वो कहता कैसे करूँ, कहता मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, कहता तू मेरे गोडाउन में हमारे गोडाउन में खड़ी कर देना, वहाँ पे मेरा हमारा ड्राइवर तुझे छोड़ आएगा। कहता इट इज डिफिकल्ट कि मैं 40 माइल्स रिवर साइड में जाऊँ फिर आऊँ। तो इतने में जाने से एक दिन पहले ही संगत थी, दो दिन पहले शायद संगत थी, तो एक लड़की है संगत की, उसने कहा कि यू वन थिंग कैन यू डू मी अ फेवर, कहता हाँ बोलो। कहता ऐसे है कि ये हेडफोन्स हैं ये ना दे आर क्वाइट कॉस्टली, तो तू ना अपने कैबिन बैगेज में ही लेके जाना, एंड द पर्सन टू होम यू हैव टू डिलीवर ही विल कलेक्ट एट दिल्ली एयरपोर्ट, तो तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो मैं तुझे एयरपोर्ट पे ही दे दूंगी, तो मेरे पास अब तो है नहीं, ये संगत ने लाई नहीं, तो एयरपोर्ट पे ही दे दूंगी, तेरी फ्लाइट कितने बजे है, उसने बता दिया फ्लाइट कितने बजे है। तो कहती अच्छा कितने बजे आएगा तू, कहता यही तो मैं चक्कर आया मेरा, मेरी प्रॉब्लम कार पार्किंग की है, ये है वो, बड़ा दुखी था पार्किंग थी, व्हाट्स द बिग डील, कहती मेरा ऑफिस जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट है, कहती यू कम टू माय ऑफिस आई विल ड्रॉप यू इन माय कार, यू कीप द कार इन माय ऑफिस, इट हैज गॉट कवर्ड पार्किंग, एंड व्हेन यू टच डाउन हियर ऑन योर रिटर्न आई विल पिक यू अप एंड यू कैन ड्राइव। तो ऐसे है गुरु जी, मतलब इतनी कोई भी चीज हो एकदम में 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो ये है ऐसे सत्संग तो थे, बट एट दिस मोमेंट आई कांट रिकॉल यू व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो हमारे साथ ऐसे हुआ कि इन नाइट टॉकिंग वे बैक ऑफ 1997, तो जब हम गुरुजी के जाना शुरू हुए थे, तो गुरुजी 33 सेक्टर में थे, तो एट दैट मोमेंट हम संगत से सुनते थे कि किसी ने कहना मेरा ऐसे कैंसर ठीक किया, किसी ने कहना मुझे ऐसे था, किसी ने कहना मेरे मुझे शुगर थी, गुरुजी ने जलेबियाँ खिला के कहा जा कल शुगर चेक करा ली, तो लाइक दैट वी यूज्ड टू लिसन। तो My mother, she was a heart patient. So suddenly that problem became very severe. So doctor ने PGI में हम दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो इन पर एंजियोग्राफी, ठीक है एंजियोग्राफी। उसने जब एंजियोग्राफी हो रही थी तो डॉक्टर इन बिटवीन रोक दी, ना सॉरी नॉट एंजियोग्राफी TMT, ही टू आस्क फॉर TMT, सो ही स्टॉप TMT इन बिटवीन एंड कहता यू रश टू एमरजेंसी। आपकी इमरजेंसी में अब क्या है, मैं तो कहूँ डॉक्टर तो बताते हैं, फिर मैंने अपने फादर को बोला, मैं कहा ही इज अ यंग डॉक्टर यू आस्क हिम, कहता देखो जी कहते वी वांट टू टेक हिम बैक होम क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है एक दिन बाद ही, कहता देखो यू कैन टेक हर बैक होम एट योर ओन रिस्क। चलो ठीक है हम चले गए, गुरु जी तो आते थे सुबह, फोन तो होते ही थे मोबाइल वगैरह, तो मैंने एक पेजर ले लिया घर में, बता दिया कि अगर बाई चांस एनी इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जस्ट टेक्स्ट अ मैसेज आई विल कम बैक होम, कहते ठीक है। तो जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो कहता है जी, उसने रिपोर्ट देखी, कहता जी हर 2 आर्टरीज आर कंप्लीटली ब्लॉक एंड आई कांट से अदर फॉर अदर 2 दे विल बी नोन ओनली आफ्टर एंजियोग्राफी, हर 2 आर्टरीज आर ब्लॉक दैट इज श्योर, तो आप डेट ले लो एनजीओ का कब आपको डेट मिलती है। सो माय आंटी शी डिस्कस विद वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर इन PGI, शी सेड कि बेटर एट आई एम टॉकिंग ऑफ 97, कहती है यहां पे तो अगर मतलब कोई ट्रीटमेंट हुआ तो यहाँ PGI का सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है, बट यू गो टू एस्कॉर्ट्स, क्योंकि वो अगर आप यहाँ से एनजीओ करा के दोबारा जाओगे एस्कॉर्ट्स में तो अपनी करेंगे दोबारा, वो किसी बाहर की मानते नहीं है, तो बेटर यू गो टू एस्कॉर्ट्स। तो माय यंगर ब्रदर हुआ थे दिल्ली, उसने डेट पे मिली, तो पेरेंट्स चले गए दिल्ली में, तो इन द मीन टाइम मेरी तो हिम्मत ना पड़े मैं गुरुजी से जाके बात करूँ, मैंने अपनी आंटी को ही बोला, मैं कहा जी आप जाके बात करो, तो जैसे गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं तो आप भी जाके बात करो, आई एम नॉट
having that courage that I can talk to him. He said okay. He went to Guruji. So कहते Guruji इतना मम्मी दी ना एंजियोग्राफी एक ही है तो डॉक्टर ने क्या है उसको बाद ही पता लगेगा. Guruji कहते ना की है. She couldn't get what Guruji said. So Guruji used to speak very fast. बड़ी काली बोलते थे. He said है जी. Guruji कहते ना की है. She told the name. Guruji ने ऊपर देखा कहते कर तक लिया नहीं. Guruji कहते बाद में कॉल करा. She came back with tears in her eyes. एक वो ब्रिगेडियर सैनी उनकी सैनी आंटी ने वो आए कहते क्या बात होगी. गुरु जी वो साथ ही बैठे थे. मेरे गुरु जी देखो सब का कल्याण करते हैं. मैंने बात करी मम्मी की तो गुरु जी कहते हैं बाद गल करांगे. देन व्हाट्स द बिग डील. जब तुम आ गया लोगे फिर पूछ लेना गुरु जी से. गुरु जी ने कौन सा मना करना है. ये थोड़ा एक बार बात कर लेते तो दोबारा कोई बात नहीं करने देगा तुम्हें. ऐसा क्या है. ठीक है रात को जब हमने गुरु जी ने आज्ञा दी तो शी अगेन आस गुरु जी और तुम्हें मम्मी का तुम दस्या कि तुम कहते बाद गल करांगे. गुरु जी कहते गल की करनी है करता कल्याण. ओके सो व्हेन द आफ्टर कपल ऑफ डेज व्हेन द एनजीओ वाज बीइंग डन सो माय यंगर ब्रदर वाज एट दैट मोमेंट ही वाज देयर. सो द डॉक्टर हु वाज कंडक्टिंग द एंजियोग्राफी सेड हू इज शी टू यू यंग मैन. ही सेड कि माय मॉम सेना कांग्रेट्स एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट. सो दीज वर द वर्ड्स दैट द डॉक्टर जस्ट वर्ड अबाउट कांग्रेट्स एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट. ही केम डाउन रनिंग told my father and they immediately gave me a saying. So हम तब गुरु जी के पास जाने की. गुरु जी तो शाम को बैठते थे 8:15 बजे. हम जाने की तैयारी कर रहे थे. तो जैसे ही माथा टेका मेरी आंटी ने सर गुरु जी मम्मी ने आगे रिपोर्ट सारा कुछ ठीक है. गुरु जी कहते अच्छा ठीक है. गुरु जी तो जाने ही जाने कहते अच्छा तेरी माँ लग रही है तेरी सस लग रही है. गुरु जी ने उनका नाम ही रख दिया नू सस. हाँ नू सस बैठी है. फिर किसी ने आना गुरु जी ने कहना देखो ए देखो ते कुड़ी संतों तो अपनी सस का कल्याण करा के गई है. गुरु जी ने ऐसे कहना. तो ऐसे गुरु जी वो सो ह्यूमरस ऐसे मतलब छोटी छोटी बात पे भी उन्होंने ऐसे बना देना. एक अंकल आए उन्होंने माथा टेका. गुरु जी कहते हाँ कितने काम करता है. कहता गुरु जी CPWD में. गुरु जी कहते अच्छा 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 सिटिया पेंटा वाले तो क्या. तो ऐसे गुरु जी. Anyone else can share. Okay, Jai Guru Ji. Namah Shiva. Shiva Ji. कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी इन्विटेशन की जरूरत नहीं. जिसको गुरुजी ने जोड़ना है जो ही लेना है.
मेरे घर में तो चलो मेरे हस्बैंड को बच्चों को मेरी जेठानी थी उसके मम्मी पापा उधर से एक आर एस पास की है वो ना मैं जाती थी तो उनका ना मैं मतलब मैं उनको बताने बंद कर दिया वो आगे से बड़ा और टाइम बोल देती थी जब तुम मेरे वेरी प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे भी आ रही है पीछे मैं वी वर 4-5 पीपल इन द कार मुझे भी आ रही है मैं पहली बार ही जा रही थी अब वही ह्यूमन माइंड मुझे यही घर होगा वो कभी कभी मॉर्निंग है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की वगैरह की आ जाती है और कल ने एक टर्न लिया अच्छा यही घर तो नहीं है दूसरा टर्न तीसरा टर्न चौथा टर्न जरूर करना है और समाओ ना सडन प्लान बना मतलब गुरु परिवार को कहते हैं ना गुरु जी गुरु परिवार देते हैं छोटा सा गुरु परिवार एक गुरु जी ने जलंधर में मुझे भी दिया हुआ है हम 8-9 जने का है तो मैंने बहुत ट्राई किया कि वो सब मेरे साथ चल पड़े 4 जुलाई को बट बना नहीं